दोस्तों आप यहाँ भी काफ़ी सरपत का प्लांट देख सकते हैं और इस प्लांट से काफ़ी चीज़ें बनती हैं, जैसे डलिया बनती है इसी से, इसमें हम रोटी रखते हैं। इससे एक वो भी बनता है जिस पर हम बैठते हैं, हाँ पीढ़ा जो होता है, पीढ़ा भी इसी से बनता है। गाँव में सरपत के प्लांट से काफ़ी चीज़ें बनाई जाती हैं। उधर आप देख सकते हैं सनसेट हो रहा है, प्यारा लग रहा है काफ़ी। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कितना ज़्यादा सरपत है, कितना गजिन है और कितना घना है। मतलब अगर इसमें कोई तेंदुआ आ जाए और शेर कोई आकर घुस कर बैठ जाए तो हमको पता नहीं चल पाएगा, और अचानक से हमला कर दे तो बच कर भागना नामुमकिन है। वहाँ पर आप देख लीजिए एक पेड़ लगा है जिस पर छोटे छोटे पीले पीले कुछ दिख रहे हैं, उस बबूल का पेड़ है, इसमें कांटे भी होते हैं। दोस्तों आप खजूर का पेड़ देख रहे हैं और इस पर भी बेल काफ़ी लटकी हुई है। आइए थोड़ा आगे ताड़ का पेड़ दिखाते हैं जिसको इंग्लिश में पाम बोलते हैं। आगे ताड़ का पेड़ लगा है लेकिन शायद ये फीमेल पाम है, इसी वजह से इसकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं हुई, ये उतने पे ही अटक गया है। दोस्तों ये आप बरगद का पेड़ देख सकते हैं जिसकी काफ़ी शाखाएँ लटक रही हैं। आइए थोड़ा नज़दीक से दिखाते हैं कि ये शाखाएँ दिखने में कैसी लग रही हैं। देख लीजिए ये रात में काफ़ी भयानक लगता है। यहाँ पे दो लोग पहले से मौजूद हैं, शायद इनको डर नहीं लगता होगा, इसी वजह से ये लोग यहाँ पहले से बैठे हैं और यहाँ काफ़ी शाम हो चुकी है। ये बरगद का पेड़ काफ़ी बड़ा है और काफ़ी पुराना भी दिख रहा है क्योंकि इसकी शाखाएँ बता रही हैं कि ये पेड़ लगभग 50 साल के ऊपर है। ये हमारे एक भाई खड़े हैं जो इधर से ही अभी आए थे। ये आप जो छोटी सी नहर देख रहे हैं इसमें से भदरसा के कुछ हिस्से का पानी उसी नहर में जाकर मिलता है। अब इसका पूरे भदरसा का पानी नहीं जाता इसमें क्योंकि भदरसा काफ़ी बड़ा है। भदरसा में एक तालाब था जगधरिया नाम का, जिसका नाम जीवधरिया था लेकिन लोगों ने उसका नाम बदल कर जगधरिया कर दिया। अब वो पूरी तरह से प्लॉटिंग हो गई उसकी और वो पूरी तरह से पट चुकी है, इसलिए पानी जाने में काफ़ी दिक्कत होगी। और दिक्कत सबसे बड़ी ये होगी कि जिसका घर जगदरिया के किनारे रहेगा, जीवधरिया के किनारे रहेगा, उसी को दिक्कत होगी, उसका घर पानी में डूब भी सकता है। ऑलमोस्ट 3 मोहल्ले का पानी उधर जाता है। आप देख लीजिए भदरसा का पानी कैसे निकल रहा है और नीचे कुछ सफ़ेद सफ़ेद भी दिख रहा है, क्या हो सकता है, अब उसके पास में जाएंगे तभी पता चलेगा। आइए नीचे चलने की कोशिश करते हैं और पता लगाते हैं कि ये है क्या, एकदम बर्फ़ जैसा दिख रहा है। अब ये बर्फ़ है क्या है, चलिए नीचे चल के देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए यहाँ पर हम घुस रहे हैं क्योंकि यहाँ काफ़ी बड़े बड़े सांप हैं, आप लोगों के लिए हमको यहाँ घुसना पड़ा, नहीं तो नहीं आते इधर। उधर आप देख सकते हैं जलकुंभी है। जलकुंभी एक ऐसा प्लांट है जो पानी में निकल आता है, और ये प्लांट जो होता है काफ़ी मछलियों के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित होता है क्योंकि ये पेड़ जो होता है पूरी तरह से तालाब को छाप लेता है और मछलियाँ जो होती हैं ऑक्सीजन नहीं ले पाती। देख सकते हैं आप वाटरफॉल जैसा दिख रहा है, ऐसे लग रहा है झरना गिर रहा है। आइए थोड़ा नज़दीक से देखते हैं। ये आप भदरसा का सीन देख रहे हैं, आप मत सोचना ये पुणे में हम लोग हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि हम पुणे में आ गए हैं, और आगे भी काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है और ऊंचाई से पानी गिर रहा है, लेकिन आगे जाने में थोड़ा दिक्कत आएगी लेकिन एक बार कोशिश ज़रूर करेंगे। और ये जो आप सफ़ेद सफ़ेद देख रहे हैं ये झाग है, शायद कहीं धुलाई हो रही है किसी चीज़ की, वहीं से झाग बनकर यहाँ आ रहा है। और आप वहाँ वाला भी देख सकते हैं काफ़ी ऊपर से गिर रहा है लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है, मन तो कर रहा है अभी इसी में कूद के नहा लें, लेकिन ये पानी काफ़ी गंदा है और काफ़ी डेंजर एरिया लग रहा है, इसी वजह से हम लोगों को यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन हमने भदरसा में ऐसा सीन देखा, काफ़ी अच्छा लगा हमको, भले ये गंदा पानी हो लेकिन देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। बड़ी खुशी हुई कि भदरसा में ऐसा फेनोमेना भी मौजूद है। दोस्तों ये जो हम इस पार खड़े हैं, हम लोग खड़े हैं भदरसा में,
अगर आप इस नहर को पार करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे काजीसराय। काजीसराय एक काफ़ी बड़ा गांव समझ सकते हैं, बड़ा गांव है काजीसराय। इस नहर को पार करके आप काजीसराय में एंटर कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे थोड़ा चलते हैं, कुछ और देखते हैं। ये आप फिर से रास्ता देख लीजिए जहाँ से हम लोग एंट्री लिए थे। ये जो आप टुकड़ा देख रहे हैं नाव का टुकड़ा है, नाव काफ़ी पुरानी हो गई थी इसी वजह से यह टुकड़ा यहाँ पर रखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफ़ी घनी जगह है इसलिए हम लोगों को पार करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। माइक भी इधर उधर फंस रहा है इसलिए हम लोग यहाँ से निकलते हैं। आइए थोड़ा आगे चल के देखते हैं और क्या क्या सीन है। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत ही कम लोग दिखाई दे रहे हैं, इसी वजह से हम लोगों को भी यहाँ से जल्दी ही जाना होगा। जिस जगह पे जितने कम लोग होते हैं वहाँ क्राइम होने के उतने ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। यहाँ पर जो लोग हैं मवेशी लोग, वो लोग धीरे धीरे यहाँ से जा रहे हैं। ये मवेशी लोग हैं देख सकते हैं आप। काफ़ी ख़तरनाक एरिया है ये, यहाँ पर शाम में आना काफ़ी डेंजरस माना जाता है, इसी वजह से लोग यहाँ तक आना पसंद नहीं करते हैं। देख लीजिए कितनी ऊंची ऊंची घास है, सरपत बोलते हैं इसको, सरपत का प्लांट है, काफ़ी ऊंचा है, इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई भी जानवर छिप जाए पता नहीं चलेगा। आप देख लीजिए ये लेटा हुआ पेड़ है, इस पर लोग अगर बैठते हैं और फिर जब टूटा हुआ पेड़ होता है जब उस पर बैठो तो काफ़ी अच्छा लगता है, एक अलग ही तरह का फील आता है। ये बबूल का पेड़ है। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं। ये आप देखने वाले हैं पाकड़ का पेड़। ये पेड़ भी काफ़ी अच्छा होता है, इसकी शैडो काफ़ी मज़ेदार होती है, काफ़ी ठंडक देता है हमें। आइए आपको एक नाव दिखाते हैं। ये हमारे राइट साइड में एक नाव पड़ी है, उल्टी होकर पड़ी है नाव। अब ये अगर सीधी होती तो इसको अच्छे से दिखा भी सकते थे, अब ये उल्टी है तो अब इसका जो नीचे का पार्ट है वही दिख रहा है, ऐसे में आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं देख पाएंगे। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं और थोड़ा और आगे चल के थोड़ा कुछ अगर नई चीज़ होगी दिखाएंगे, नहीं तो हम लोग वापस लौट जाएंगे क्योंकि यहाँ पे शाम हो चुकी है और रात भी होने वाली है, इसी वजह से काफ़ी खतरा भी यहाँ बना है। कोई आदमी वहाँ पर खड़ा होकर पेशाब कर रहा था लेकिन जैसे हम लोगों को देखा तुरंत छिप गया, तुरंत पैंट वैंट ऊपर कर लिया। देखो ऐसे ऐसे लोग गंदगी फैलाते हैं और इंडिया में यही सब है, खास करके उत्तर प्रदेश में, तो काफ़ी गलत बात है, सोचना चाहिए, स्वच्छ भारत अभियान के तहत चलना चाहिए हमको। आइए थोड़ा नीचे चल के देखते हैं, नीचे चल के देखते हैं और पानी भी देख लीजिए आप लोग यहाँ का पानी कैसा है। ये देखिए आप यहाँ का पानी थोड़ा अलग तरह का है, इसके ऊपर कुछ काई जैसी जमी है, इसके अंदर जलकुंभी है और घास है, एक काई जैसा प्लांट होता है वो भी इसमें मौजूद है। और जो सामने का आप व्यू देख रहे हैं काफ़ी ख़तरनाक व्यू वहाँ का है, जहाँ पर ताड़ का पेड़ दिख रहा है वहाँ का व्यू काफ़ी ख़तरनाक है, लेकिन शायद पार करने का कोई जुगाड़ नहीं है इसलिए हम लोग शायद पार नहीं कर पाएंगे इसको। आइए थोड़ा उधर देख लेते हैं, अगर पार करने का जुगाड़ हो तो चल के आपको दिखा दें, उसके बाद चलिए घर चलते हैं। देखिए आप लोग ये सरपत का शॉर्ट देख लीजिए, कटिंग देख लीजिए कैसी कटिंग है इसकी, और ये ताड़ पड़ा है जो ख़राब हो चुका है, इसी को ताड़ बोलते हैं, फल होता है, पाम ट्री से निकलता है ये। अब देख लीजिए आप लोग रास्ता कैसा है, शायद ही हम लोग यहाँ से निकल पाएँ, लेकिन कोशिश कर रहे हैं निकलने की। चलिए आप लोगों की दुआ से हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और आगे चल रहे हैं, अगर मामला अच्छा रहा तो हम आपको वो वाला व्यू दिखाते हैं चल के, शायद आगे चलने का रास्ता है इसलिए आप लोग देख पाएंगे। यहाँ से हम लोग पार कर सकते हैं। आइए आपको आगे जलकुंभी का फूल दिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग फिर उधर चलते हैं। सरपत तो यहाँ काफ़ी लगा है, और सामने देख लीजिए व्यू कैसा दिख रहा है, थोड़ा वाइड एंगल में देख लीजिए, वाइड एंगल में सामने देखिए कितना खतरनाक पेड़, कितना घना पेड़ लगा है उधर वहाँ पे, कि आप लोग अगर रात में आए तो शायद ही यहाँ से जिंदा जाएं।
अभी आप लोग देखेंगे जलकुंभी का फूल, फूल आप देख लीजिए काफ़ी अच्छा लगता है। फूल फूल मुरझा चुका है लेकिन पूरी तरह से नहीं मुरझाया है, इसलिए आप देख सकते हैं इसको कितना गजब दिख रहा है। आप इसको पूरी देख लीजिए, वहाँ पे कोई पीछे खड़ा होकर देख रहा है, शायद उनको ये सब काफ़ी अजीब लग रहा है। चलो अपनी अपनी चॉइस होती है, और अब हम लोग पीछे चलने की कोशिश करते हैं, हम लोग यहाँ से मुड़ जाते हैं। आइए, जो लोकेशन बोले थे आपको, जो दिखाने को बोले थे, चलिए वहाँ पे चलते हैं। आप चिड़िया की आवाज़ सुन सकते हैं, काफ़ी प्यारी लग रही होगी। चिड़िया या तो सुबह बोलती है या तो शाम में, शाम में जब वो चिड़िया पेड़ पर आके बैठती हैं तो वो लोग काफ़ी अच्छी आवाज़ निकालती हैं। अब नेचर में चिड़िया ही है जिसकी आवाज़ सुनकर काफ़ी अच्छा लगता है। हम लोग यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हैं, मिट्टी काफ़ी गीली है, पैर धस जा रहा है, इसमें मिट्टी में पैर धस रहा था पूरा। बैकग्राउंड में आप चिड़िया की आवाज़ फिर सुन सकते हैं। चलिए धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं, अभी इसको फिर से पार करना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत लग जाएगी हम लोगों को। अभी आप ये व्यू देख लीजिए, उसके बाद हम लोग घर के लिए निकलेंगे, क्योंकि शाम काफ़ी हो रही है, 6:30 बज चुका है और सीन भी नहीं आ पाएगा अगर ज़्यादा देर हो जाएगी तो। ये आप देख सकते हैं पाकड़ का पेड़ है, जो जिसकी रूट आप देख सकते हैं, इसकी रूट आप यानी जड़ देख लीजिए। एक पेड़ आप वहाँ पर देख सकते हैं जिसका स्टेम जो है ऊपर का, देखिए कैसा दिख रहा है, काफ़ी अजीब दिख रहा है, देख लीजिए आप, मोटा सा दिख रहा है। आप इसकी जड़ देख लीजिए कितनी फैली हुई होती है, 3 पेड़ ऐसे हैं जिसकी जड़ काफ़ी फैली हुई होती है, जैसे बरगद हो गया, पीपल हो गया और पाकड़, ये 3 ऐसे पेड़ हैं जिसकी जड़ काफ़ी फैली हुई होती है और नेटवर्क में होती है। वो आप उधर देख रहे हैं, वो काजी सराय वहाँ पड़ता है, बस यही आप 2-3 बीघा खेत पार करेंगे आपको काजी सराय मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो कहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर जल्द ही मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग में। जय हिंद।